आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक होगी, दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी यह बैठक। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से यह बैठक सीएम आवास पर ही होगी और इस बैठक में दिल्ली समेत जिन राज्यों में आप यानी कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ रही है उन सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा होगी और उम्मीद है कि आज दिल्ली लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान भी हो सकता है, उनके नाम को यहां सामने रख सकती है आम आदमी पार्टी। तो नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के लिए आपके संभावित उम्मीदवार सामने आ सकते हैं नाम उनके। नई दिल्ली लोकसभा सीट से सोमनाथ भारती रेस में आगे हैं, शिवचरण गोयल और मेयर शैली ओब्रॉय भी रेस में शामिल हैं। इसके अलावा पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो यहां की लोकसभा सीट से महाबल मिश्रा हो सकते हैं उम्मीदवार और दक्षिणी दिल्ली से विधायक करतार सिंह तंवर और सहीराम पहलवान दौड़ में शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से मंत्री गोपाल राय, विधायक कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक नितिन त्यागी और दीपक सिंगला रेस में शामिल हैं। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, जो संभावित नाम अभी हमने अपने दर्शकों को बताए हैं उसको लेकर के क्या जानकारी, पीएसी की बैठक में क्या आज ये फैसला लिया जाएगा, नाम सामने रख दिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए आज आम आदमी पार्टी की पीएसी बैठक है और इस बैठक में आम आदमी पार्टी जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है वहां के प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा करेगी और माना जा रहा है कि आज दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों का जो ऐलान है वो आम आदमी पार्टी कर सकती है क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में 4 सीटें लोकसभा की आम आदमी पार्टी को मिली हैं, 3 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। जिन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना है उसको लेकर के आज पीएसी में ये चर्चा होगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी को किस सीट से चुनाव मैदान पर उतारा जाए और माना जा रहा है कि आज दिल्ली को लेकर के बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी का। अच्छा, महाबल मिश्रा के नाम को लेकर के क्या आश्वस्त नजर आ सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जो जीत दर्ज करा चुके हैं पहले भी पार्टी बदलने के बाद, हालांकि पाला बदलने के बाद भी हमने देखा उनकी लोकप्रियता पश्चिमी दिल्ली में कम नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी दिल्ली में महाबल मिश्रा एक बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस में भी उनकी अच्छी पकड़ है क्योंकि वो कांग्रेस में रहकर वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं और आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आज भी महाबल मिश्रा को पसंद करते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी उन पर दांव लगा सकती है और ये भी माना जा रहा है कि लगभग लगभग उनका जो नाम है वो तय हो चुका है। बिल्कुल, ये वो संभावित नाम है जो लगभग फाइनल हो चुका है। बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। थोड़ा इंतजार करना होगा, आज आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है, उसके बाद संभवतः ये जो नाम हमने आपको गिनवाए इसका ऐलान हो सकता है। Z News।